नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। जैसे सीजल के अभ्यर्थी लगातार सत्याग्रह पर बैठे हैं, आज उनका सपोर्ट करने के लिए सरयू राय की पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र तिवारी पहुंचे हैं। बात करते हैं धर्मेंद्र जी, लगातार आंदोलन पर ये लोग बैठे हैं, आज 13वां दिन है, लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीजल का जो एग्ज़ाम हुआ था वो रद्द होना चाहिए। देखिए, रद्द होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे साक्ष्य इनके पास भी हैं और अब तो ये सबको मालूम हो गया है कि किस तरीके से सुनियोजित ढंग से इस परीक्षा में भ्रष्टाचार को बढ़ाया गया है। अब बड़ा तरीके से बढ़ाया गया है, लेकिन सभी युवा जो हैं, बड़ा तेज मस्तिष्क के लोग हैं, ब्रिलियंट माइंड्स के लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इन्होंने उनकी चोरी को पकड़ ली। जो किस तरीके से क्वेश्चन का रिपीट हुआ है, किस तरीके से ये जो ड्रामा हुआ बंद करने का, नेट बंद करने का टाइमिंग किस तरीके से हुआ, सुबह एग्ज़ाम चालू होने के एक घंटा पहले क्वेश्चन आउट हुआ तो किस तरह का सेट बना, सारे इनको इन्फॉर्मेशन में इनके आ गया। तो जब इनके अभ्यर्थी हैं, इनके इन्फॉर्मेशन में आ गया, सरकार के इन्फॉर्मेशन में क्यों नहीं आया, सिस्टम के इन्फॉर्मेशन में क्यों नहीं आया? इसका मतलब है कि इनका जो कहना है कि अब तो कंपटीशन वहाँ है कि 2000 सीट है, पैसा का कलेक्शन हो गया 5000 लोगों से, तो अब जो अधिक पैसा देगा, 30 लाख 40 लाख 45 लाख लोगों ने एक सीट के लिए पैसे दिए हैं, तो ऐसे में सरकार को अब सोचना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। उनको कम से कम अपने राज्य के प्रति, और जो शपथ लेते हैं संविधान की हवाला देते हैं वो हमेशा, उसको रख करके युवाओं के साथ सही करना चाहिए, अन्यथा फिर तो CBI जैसी संस्था है जो दूध का दूध पानी का पानी करेगी और इनका जो एजिटेशन है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और सरकार को, खास करके हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, यदि वो जीतते हैं तो CM बनेंगे, नहीं जीतते हैं तो कम से कम विपक्ष के नेता बनेंगे। ऐसे व्यक्ति को दोनों हाथ में लड्डू है, उनको कम से कम कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए, कम से कम युवाओं के लिए कार्य करना चाहिए, युवाओं को और देश, जो प्रदेश की जनता, उसको भटकाना नहीं चाहिए। उनसे पुनः आग्रह है आपके माध्यम से कि इस परीक्षा को अविलंब रद्द करें और ऐसी एजेंसियां जो हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रही हैं, ऐसे एजेंसियों को आप कार्य देते हैं जो इस तरह का, कभी क्वेश्चन लीक का मामला आता है, कभी सीट बेचने का मामला आता है, तो बड़ा दुर्भाग्य है झारखंड की। ये बताइए कि झारखंड में युवाओं को पहले वैकेंसी के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर बाद में जब वैकेंसी आ जाए तो एग्ज़ाम के लिए आंदोलन करना पड़ता है, जब एग्ज़ाम हो जाए तो रिजल्ट के लिए, और उससे पहले भी पेपर लीक अगर हो गया तो उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। तो यहाँ के अभ्यर्थियों को लगातार, मतलब कहीं ना कहीं उसमें एक ऐड हो जाना चाहिए कि तमाम चीज़ों के बाद आपको एक आंदोलन से गुजरिएगा, तभी जाके आपका आगे कुछ हो पाए। देखिए, सही है, आंदोलन से ही सारा कुछ हासिल होता है। क्यों? कि वो नब्ज जान गए हैं जनता का, कैसे शासन करना है और कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, उसके सिस्टम की जानकारी उनको हो गई है, कैसे लोगों को बांटना है इसकी जानकारी उनको हो गई है, इसलिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं और हमारे प्रदेश के सिस्टम को, लोगों को तोड़ रहे हैं आपस में, ताकि लोग टूटे, एक ना हो। लेकिन ये जो अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं, ये छोड़ने वाले नहीं हैं क्योंकि ये जग चुके हैं और सिस्टम के बारे में समझ चुके हैं। आपके नेता सरयू राय जी कब आएंगे इस आंदोलन में लोगों का सपोर्ट करने? इस आंदोलन में उनको आने की आवश्यकता नहीं, मैं ही काफ़ी हूँ।